इंग्लैंड में न्यूजीलैंड विमेन टीम को दो धमकियां मिल गईं। लेस्टर में होटल और जहाज में बम की धमकियां मिलने के बावजूद कीवी बोर्ड ने दौरा जारी रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टीम के होटल को घेर लिया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का शोर मचाकर राह फरार इख्तियार करने वाले न्यूजीलैंड बोर्ड ने सिर्फ प्रैक्टिस सेशन मुलतवी करने पर ही इक्तफा किया। न्यूजीलैंड के चेहरे से नकाब उतर गया। कीवीज पाकिस्तान से तो बेबुनियाद वावेला करके भाग गए। इंग्लैंड में दो धमकियों के बावजूद विमेन टीम का दौरा मुलतवी नहीं किया। विमेन्स टीम को लेसेस्टर शायर में बम हमले की धमकियां दी गईं। होटल में बम रखने का दावा किया गया। जहाज बम से उड़ाने की वार्निंग भी मिली। पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टीम के होटल को घेरे में भी ले लिया। धमकियों के बाइस न्यूजीलैंड टीम ने सिर्फ प्रैक्टिस सेशन कैंसिल किया, साथ ही दौरा शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। कीवी बोर्ड ने कहा थ्रेट के बारे में कंफर्म नहीं। तीसरा वनडे बुध को प्रोग्राम के मुताबिक होगा। दौरा जारी रखने का ऐलान करने वाला ये वो ही बोर्ड था जिसने पिछले हफ्ते पाकिस्तान में खतरात का ढिंढोरा पीटा था। न सिर्फ यकतरफा तौर पर दौरा मनसूख किया बल्कि टीम को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भी बुला लिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।